नामांकन भर दिया है। कांग्रेस ने दानिश अब्रार पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बना दिया, तो वहीं बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा उम्मीदवार हैं, जबकि आशा मीणा जो कल देर रात तक टिकट मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला उसके बाद अब वो निर्दलीय ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। आशा मीणा ने निर्दलीय अपना नामांकन भर दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से दानिश अब्रार को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है और लगातार प्रत्याशी कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपना अपना नामांकन पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आज भीड़ देखी जा रही है। सवाई माधोपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आशा मीणा ने अब निर्दलीय ताल ठोक दिया है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कार्यकर्ता बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि ये जो बगावत के सुर हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मुश्किलों में डाल सकती हैं, क्योंकि ना सिर्फ कांग्रेस से बल्कि बीजेपी से भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो टिकटार्थी थे, जो अब टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और निर्दलीय ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, ये समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में सरदारपुरा सीट से नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले सीएम गहलोत ने लाल सागर स्थित आवास पर जाकर अपनी बहन से भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने नामांकन भर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 5 विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ते आ रहे हैं और लगातार जीतते भी हैं। इस बार भी बीजेपी ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से जेडीए के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ को सीएम गहलोत के सामने उतार दिया, अपना प्रत्याशी बनाकर राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस बार भी सरदारपुरा से एक राजपूत चेहरे पर दाव लगाया है। इससे पहले बीजेपी ने शंभू सिंह खेतासर को टिकट दिया था, लेकिन वो 2 बार चुनाव हार गए। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। यहां उन्होंने कहा कि हमने जनता का 25 लाख का बीमा किया है। दुनिया भर में राजस्थान की चर्चा हो रही है, जनता ने कांग्रेस को रिपीट करने का मन बना लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में शानदार काम किया है और निश्चित तौर पर अपनी दी हुई 10 गारंटियों का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर नामांकन भरते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस ने सरदारपुरा से टिकट दिया है और लगातार यहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीत दर्ज करते आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब नामांकन से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बहन से आशीर्वाद लेने पहुंचे। लगातार कभी भी अगर पिछले कुछ सालों का जिक्र करें तो सीएम नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी बहन विमला देवी से आशीर्वाद लेते हैं और जीत तो जरूर मिलती है उन्हें। गारंटी लागू हो गई, लागू नहीं होती तो मैसेज नहीं जाता। 10 गारंटी हमने दी थी, लागू करके दिखा दिया, इसलिए यकीन लोगों हो गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो 7 गारंटी दी हमने, मेरे मैनिफेस्टो भी आएगा, डिटेल्स के अंदर होगा, पर 7 गारंटी जो दी गई है वो एक प्रकार से पॉइंटेड दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता के मूल भावना क्या है वो देखे। तो चुनाव का जब दौर होता है, एक बार टिकट मिलते हैं तो स्वाभाविक होती है कि कोई नाराजगी हो जाती है। सब हमारे साथी हमारे अपने हैं, मैं हम उनको मना देंगे, समझा देंगे। कह रहे हैं इतिहास में पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर जिसके बारे में आम लोगों का कमेंट ये है, जिसको कहते हैं एंटी इनकमेंसी, सत्ता विरोधी माहौल, वो हर व्यक्ति पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ये कहे सरकार के खिलाफ में एंटी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार के विरुद्ध में कोई माहौल नहीं है। ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी, मेरे साथियों के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी घर की बात होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जो एक बार फिर से ये दावा करते हुए नजर आए कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार नहीं है। सभी ने मूड बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। तो 30 सालों से जो रिवाज चला रहा है राजस्थान में कि हर बार
सत्ता परिवर्तन होता है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, उसे लेकर इस बार कांग्रेस का दावा है कि इस बार रिवाज बदलने वाला है और राज बरकरार रहने वाला है, यानी कि इस बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मिशन 156 लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी ताल ठोकते हुए सरदारपुरा से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसके बाद अब वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं। जोधपुर में कुछ ही समय में सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन करेंगे और एक बार फिर से जब नामांकन दाखिल करने के बाद वो बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। लगातार इस तरीके के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। डीएम ऑफिस के आसपास पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। टोकन लेने वाले उम्मीदवारों के ही नामांकन जमा हो सकेंगे। आज कई प्रमुख चेहरे निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिन्हें टिकट पार्टी की ओर से नहीं मिला, जो आस लगाए बैठे थे कि शायद आखिरी सूची में उनका नाम आ जाए, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम सामने नहीं आया। ऐसे कई प्रमुख चेहरे आज निर्दलीय नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद 9 नवंबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। 9 नवंबर तक अगर कोई प्रत्याशी चाहता है कि वो अपना नाम विड्रॉल कर ले तो 9 नवंबर तक वो अपना नामांकन वापस ले सकता है। इसके बाद 25 नवंबर का वो दिन जब जनता ये फैसला करेगी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, और 3 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। वोट काउंटिंग के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा उत्तर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सर्किट हाउस में गणपति मंदिर में सबसे पहले पहुंचे, वहां पर पूजन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपना पर्चा भर दिया। उन्होंने कहा कि कोटा की जनता ने जिले के विकास को देखा है। साथ ही साथ मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि गुंडा राज को मिटाने के लिए चुनावी मैदान में उतरा। गणेश जी के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ आज साहब नामांकन दाखिल कर रहे हैं, छोटी सी प्रतिक्रिया धारीवाल साहब, क्या कहेंगे धारीवाल साहब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं आज? नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं, जनता का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। ये चाहता हूं कि अगर मैंने कुछ किया है कोटा के लिए तो निश्चित तौर पर जो है मुझे फिर दोबारा आशीर्वाद दें, ताकि मैं और काम करके दिखा सकूं। क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि विकास का सबसे बड़ा एजेंडा है जिसको लेकर के आप जनता के? विकास भी है, जन समस्याएं भी हैं, और भी कई चीजें हैं, तो उन सबको सबको जो है पहले भी किया है और फिर दोबारा तेजी से करूंगा। कितने दम के साथ में आज नॉमिनेशन के साथ में उतरने? अब ये तो देखते हैं। खबर चुरू से है, जहां से रफीक मंडेलिया ने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी हैं रफीक मंडेलिया, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। एसडीएम अनिल कुमार के समक्ष उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। सभापति पायल सैनी सहित कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। और अमीन कागजी इस वक्त अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। लगातार कई कद्दावर नेता जो प्रत्याशी बने हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अरबाज वहां पर मौजूद हैं। जी अरबाज, बात करिए जरा अमीन कागजी से, कौन कौन से मुद्दे लेकर मैदान में उतर रहे हैं? के चेयरमैन हैं और किशनपोल के विधायक हैं अमीन कागजी पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले चंद्रमोहन बटवाड़ा ने यहां से नामांकन भरा, अब कांग्रेस की तरफ से अमीन कागजी आए हैं। और आप देख सकते हैं कि आखिरी दिन है, काफी धरपकड़ मची हुई है, एक एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया जा रहा है, सारे शपथ पत्र दोबारा चेक किए जा रहे हैं और सारी चीजों पर बड़ी बारीकी से सिग्नेचर किया जा रहा है। काफी भागा दौड़ी का माहौल है और हर एक चीज को क्रॉस चेक कर रहे हैं। अमिता देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसको हर लिहाज से चेक करके ही, तमाम वकील तमाम सीए चेक करने के बाद जब देखते हैं तो हमारा भी देखना ज़रूरी होता है। चुनाव की प्रचार की आपदा भी में आज भी वक्त नहीं मिलता, आज आखिरी दिन है, लेकिन आज की गलती या कोताही बर्दाश्त नहीं होगी 3 बजे बाद? वो तो एक बार सबमिट करने के बाद वैसे भी नहीं होती। जी, आप 3 तारीख को भर देते तो भी नहीं होती हो, तो ये तो है नहीं कोई ऑप्शन दोबारा फार्म भरने का होता हो, इसीलिए आपने अच्छी तरह विचार करके आखिरी तारीख तक पूरा ब्यौरा दिया है। जी बिल्कुल। कितना संपत्ति का आंकड़ा पेश किया गया है, पिछली बार कितना था, कितना बदलाव बताया गया? अभी कुछ याद नहीं है, जो है सब सामने आ जाएगा आप कहकर।
आपके जो सामने भाजपा के हैं चंद्रमोहन बंटवाड़ा, वो भी यहाँ पर करके गए हैं, नामांकन भर के गए हैं, दावा करके गए हैं हम बाहरी मतों से हराने वाले हैं अमीन काकी। देखते हैं, ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन इलेक्शन के तरीके से होता है, परिणाम जब आएंगे जब बात करेंगे। भाजपा की और कांग्रेस की पूरी सीटें आ चुकी है राजस्थान में, क्या स्थिति लग रही है? भाजपा कह रही है कि हम 163 से ज्यादा 2013 वाला आंकड़ा से ज्यादा लेकर आएंगे। बड़बोलापन हमेशा नुकसान देता है भाई, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। नाप तोल करके आप कितना बताएंगे? हम मेजोरिटी में आएंगे, 156 का मुख्यमंत्री जी ने कहा, 98 में भी 156 आए थे, आपके भी 156 आएंगे। किस तरह से आएंगे, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? देखिए, टिकट में जिस तरीके से हमारे खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, गहलोत साहब और हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने जो टिकट दिए हैं, उससे पूरे राजस्थान में जो टिकट कल रात को जो सूची आई, एक भी जगह कहीं विवाद नहीं है। ये एक बड़ी बात है, ये इसको कहते हैं टिकट वितरण का सही तरीका, और यही इलेक्शन में एक स्ट्रेटेजी होती है। और स्ट्रेटेजी क्या, अगर आपके टिकट सही बढ़ गए, विनेबिलिटी के आधार पर बढ़ गए, तो नंबर अपने आप आता है। तो निर्दलीय तो आपकी पार्टी से भी खड़े हो रहे हो, देखते हैं उनका क्या हश्र होता है। 7 तारीख तक है, मनाएंगे भी या खाली हश्र का इंतजार करेंगे? नहीं नहीं, जिनको मनाना होगा मनाएंगे भी, इसमें क्या है, राजनीति है, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता, मनाना है तो मनाएंगे। प्रहलाद जोशी अभी यहाँ पर आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बौखलाए हुए क्यों हैं? कोई बौखलाहट नहीं है, ये तो 1.5-2 साल से बोल रहे हैं कि जब इलेक्शन आते हैं इनकम टैक्स भी आती है, सीबीआई भी आती है और ईडी भी आती है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में होता है, जिस जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं ये 1 साल पहले ही घूम जाते हैं, ये घूमना शुरू कर देते हैं, तो ये तो नई बात थोड़ी है। ये तो जब तक भारत सरकार बीजेपी की रहेगी ये होता रहेगा। अभी आपको कितना लग रहा है किशन पोल में क्या मार्जिन रहेगा? आपकी ही पार्टी की जो है ज्योति खंडेलवाल भाजपा ज्वाइन करने गई थी, संभावना थी कि वो आपके सामने प्रतिद्वंदी होंगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि राजनीति में जो पॉलिटिकल आदमी है उसको धैर्य से काम लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उनको मेयर बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनको एक बार एमपी का टिकट दिया। आदमी 50-50 साल संघर्ष करता है, लेकिन उसको टिकट नहीं, कुछ नहीं मिलता, टिकट तो बहुत दूर की बात है। हमारे आरआर तिवारी जी को देख लीजिए आप, पिछले 6 महीने में मिला है जो भी कुछ मिला है, पीसीसी मेंबर मेरे यहाँ से बने, जिला अध्यक्ष मेरे। तो विधायक अमीन कागजी ने भी अपना पर्चा भर दिया है। तो वहीं चूरू से रफीक मंडेलिया ने नामांकन कर लिया है, कांग्रेस प्रत्याशी हैं रफीक मंडेलिया, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एसडीएम अनिल कुमार के समक्ष उन्होंने अपना पर्चा भरा, सभापति पायल सैनी सहित कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। नहर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात मंडेलिया की ओर से कही गई, चूरू में नहर लाने को प्राथमिकता देने की बात उन्होंने कही। विधानसभा क्षेत्र से आज कांग्रेस के रफीक मंडेलिया के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है, इनसे जानते हैं कि कौन से मुद्दे यहाँ रहने वाले हैं, क्या कहेंगे सर? चूरू विधानसभा में जो भी विकास बाकी रहा है उसको हम पूरा करेंगे, और हमारी नहर का पानी जो तारानगर तक आया है उसको चूरू विधानसभा में लाने की कोशिश करेंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब की जो योजना है, मुद्दे मुख्य वो रहेंगे, उस योजनाओं पर हम चुनाव लड़ेंगे। आपके सामने जो हरलाल सारण है उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की? देखो, वो अपना चुनाव लड़े तो अपनी किस तरह की तैयारी है उसको मैं जानना चाहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हरावल दस्ता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने हरावल दस्ते के ऊपर भरोसा जताते हुए एनएसयूआई संगठन को राजस्थान में एक सीट पर चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। पूरा एनएसयूआई परिवार पूरे उत्साह के साथ जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने जा रहा है। छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में अब सामने दिग्गज हैं, राजपाल सिंह शेखावत भी चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी हैं, किस तरह से अभिषेक चुनाव मुश्किल होगा, टक्कर रहेगी? छात्र राजनीति में एक छात्र नेता सुबह से शाम रोमांच की जिंदगी जीना सीखता है, और वो रोमांच की जिंदगी उसके संपूर्ण राजनीतिक जीवन में उसका पीछा करती है,
वही रोमांच यहाँ भी देखने को मिलेगा। राजनीति के साथ साथ में अब कौन से ऐसे बड़े मुद्दे जो आपके फोकस में रहने वाले हैं, जो जोटवाड़ा की राजनीति है उससे लेकर? आप देखिए कि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरे प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में उन विधानसभा क्षेत्र में आता है जहाँ बहुत अधिक संख्या में मतदाता है और बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर इस बार जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वोट डालने जा रहा है। इसलिए मैं भाइयों बुजुर्गों आपसे कहना चाहता हूं, इंसान काम करता है, काम करने में हजारों गलतियां भी होती है, पर गलतियां जो होती है उसको माफ करने वाला सबसे बड़ा है। मैं किसी का बेटा हूं, किसी का साथी हूं, किसी का उनके उम्र के बराबर हूं, मैं चाहूंगा मैं साले मोहम्मद अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आप जो ये सैकड़ों हजारों लोग जो आए हैं, हजारों लोग अब साले मोहम्मद बनेंगे तभी हम चौथी बार यहां से जीत के जाएंगे। पर मैं इतना आपको कह सकता हूं कि मैं पोकरण को मैं आज चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूं। आपने मुझे दो बार के यहां से जीता के भेजा है और जब से मुझे आपने जिताया मैंने लगातार जिस दिन से जीता उसी दिन से ये प्रण ले लिया था कि पोकरण के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। और बस दूसरी बार जब 2018 में आपने सबने मुझे मिलकर के आशीर्वाद दिया और मुझे वो दिन याद नहीं है 2018 के बाद में कि मैंने 2400 घंटों आपके आशीर्वाद से मंत्री था, मुझे अशोक गहलोत ने कैबिनेट में शामिल किया था, फिर भी मुझे जैसलमेर और पोकरण की जनता के बीच में जब भी मुझे मौका मिला मैं आपकी सेवा के लिए वहां पर हाजिर हो गया। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं आपका जाना पहचाना चेहरा हूं। आपने मुझे हमेशा सहयोग किया है और वापिस मैं वही सहयोग लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं पोकरण की जनता का हमेशा मैंने शान और स्वाभिमान रखा है और आगे भी शान और स्वाभिमान बना के रखूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं खास आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो 2018 के अंदर आपने हमारी सरकार बनाई, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो इन 5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर काम हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, राजस्थान की जनता बोल रही है। आज राजस्थान की जनता, मुझे मीडिया के लोग मिले, मैंने पूछा पोकरण में भी आते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, देखो वो लोग मीडिया के लोग हैं या कुछ दूसरे लोग आते हैं, हमें किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है। हम पोकरण से शाले मोहम्मद को आप सुन पा रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शाले मोहम्मद, जो इस बार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि हमने 5 सालों में जो विकास किया है उसी के मुद्दे पर आपसे वोट मांग रहे हैं। धौलपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, एमएलए गिरिराज बाड़ी उप निर्वाचन कार्यालय पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ताओं के साथ गिरिराज सिंह मलिंगा पहुंचे हुए हैं। बाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। गिरिराज सिंह मलिंगा ने कल ही भाजपा ज्वाइन की और उसके बाद देर रात उनके नाम का ऐलान पार्टी की ओर से किया गया और बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो वहां पर कार्यालय में मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गिरिराज सिंह बाड़ी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ कार्यालय तक पहुंचे। और झालावाड़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, राज सिंह मुजावत ने नामांकन दाखिल कर दिया है, झालरा पाटन विधानसभा सीट से उन्होंने नामांकन भरा है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की और भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी अधिकारी हैं जिन्होंने अब निर्दलीय मैदान में ताल ठोक दी है, राजे के खिलाफ अब चुनावी मैदान में मुजावत उतर चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुजावत की, जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया और इससे पहले भगवान का आशीर्वाद भी लिया, अब राज्य के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।
भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में बगावत के सुर लगातार उठ रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी भी बागी हो गए हैं। टिकट नहीं मिलने पर अब उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरने की बात कही और अब वो निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। चुनाव के लिए उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल करने की बात कही है। गिरधारी तिवारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लंबे समय तक गिरधारी टिकट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल रात जब स्थिति साफ हो गई कि अब गिरधारी को टिकट नहीं मिलने वाली है, तो आज उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया। लंबे समय तक टिकट का इंतजार किया, लेकिन जब टिकट ना मिला तो भाजपा से बागी होकर पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने नामांकन दाखिल किया है। बात करेंगे, निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया है, क्या वजह रही कि लंबे समय इंतजार किया, भाजपा ने भरोसा नहीं दिया? मैंने लगभग 45 वर्ष भारतीय जनता पार्टी और भरतपुर की जनता की सेवा की है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को अकेला छोड़ दिया है। भरतपुर की जनता में मैंने न जाति देखा न धर्म देखा। आधी रात भी मैं जनता के साथ उठ लिया, तो आज जनता की मैंने जो मेरा नाम गिरधारी नेता दिया है, नेताजी मेरे को भरतपुर की जनता ने नाम दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नाम नहीं दिया, तो आज इस नेता की परख है जनता की कसौटी पर। जनता मेरे साथ कितना खरा उतरती है और मैं जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरता हूँ। गिरधारी तिवारी हमारे, ये सबसे बड़ी बात है, और निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और अब भरतपुर विधानसभा सीट का जो मुकाबला है वो पूरी तरह से त्रिकोणीय रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो लगातार कई नेता अब निर्दलीय ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इस पर अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।